आमिर भाई, तो आपको बात नहीं को नहीं तो मैं समझ। नहीं नहीं अच्छा, मैंने नहीं सुना। उसने एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये जो लोग हैं ना, चुनाव के लिए ये लोग राम मंदिर पे भी हमला करवा देंगे। ये जुमला याद होगा, ये बहुत फेमस हुआ था ट्विटर पे। हाँ, ये तो करवा, नहीं मैंने नहीं सुना, मगर ये बात है तो सही है, करवा सकते जी, हैं। मेरे पास वो क्लिप भी है, सबूत के तौर पे रखा हूं मैं, अगर कोई करेगा तो मैं दिखाऊंगा वो। खैर, ये देखिए, और ये दिखाता हूं मैं आपको, ये अभी क्या लेटेस्ट न्यूज है और ये बात सही हो यार चुकी है। एक दो सनातनी भी आए हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ उनको ले लूँ। इसको बाद में प्ले कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बोल रहा है ये। इन कॉलर के बाद रोर भाई आप पेश करें, उतनी देर तक आप रेडी रखें, ठीक है? अगर जी, कोई कहेगा तो इसको प्ले कर भाई देंगे। एक कॉलर ले लेते हैं ताकि कॉलर्स के साथ ही। इसका नहीं, ये अरोर वीडियो भाई नहीं इसके है, साथ वो भी बेकार वो लगता प्रिडिक्ट किया था, जो प्रिडिक्ट किया था ना उन्होंने, सत्यपाल है। जी ने जो प्रिडिक्ट किया था वो हो चुका है। ये लेटेस्ट न्यूज है, ये अच्छा अच्छा देखिए, दिखाएं जरा क्या है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, एटीएस ने 3 युवकों को अयोध्या में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनका नाम है कुलदीप, शंकर लाल दोसाई दोसाद, अजीत कुमार शर्मा, इन तीनों को। अब क्या हुआ है इनके साथ में, ये रही वो खबर, नीचे में ही है, 1 मिनट दे दो मुझे बस। ये रही आज तक की, ये सुनिए, ये यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ सिक्योरिटी को टाइट किया गया, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो अभी भी सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्राथमिक जांच में चीज सामने आई है कि किसी भी आतंकी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन पूछताछ करना बेहद जरूरी है। आखिर क्यों यहाँ घूम रहे थे, और जब हम देख रहे हैं कि इतने पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं, इन सबके बीच में भी सेंधमारी की कोशिश की जा चुकी है। और आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से धमकी भी दी गई थी, राम मंदिर को लेकर भी धमकी दी गई थी, और साथ ही साथ हमने देखा था कि इंटेलिजेंस भी ये कह रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे थे कि आतंकी घटना की कोशिश की जा सकती है, इसीलिए यहाँ पर ठीक जो हो गया सुरक्षा और भाई है काफी है, उसे। काफी हाँ जी, और है, इसके काफी है। साथ, इसके साथ ही मैं एक और खबर दिखा रहा हूँ, जो न्यूज न्यूज के तौर पर, वो वीडियो नहीं है। और ये आप देखिए, क्यों ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे, इससे ये पता चल जाएगा। ये फेक आईडी से ये न्यूज बनाई गई थी। ये देखिए, जुबैर के नाम से ये बनाए गए थे। ये देखिए, दो अकाउंट बनाए गए थे, आलम अंसारी के नाम से, जुबैर के नाम से ये अकाउंट बनाए गए थे, और इनको धमकी दिलवाई गई थी योगी आदित्यनाथ को, और जो चीफ अमित, ठीक है, तो ओम प्रकाश मिश्रा, और जो कि गौ गौ का बहुत बड़ा चीफ है वो, ठीक है, तो यहाँ इनका असली नाम है ओम प्रकाश मिश्रा तहार सिंह। योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी मारने की, और एक और गौ रक्षक है उसको मारने की धमकी दी गई थी। बाद में पता चला कि इनका नाम आलम अंसारी नहीं है, जुबैर जुबैर नहीं है, इनका असली नाम ओम प्रकाश मिश्रा है, तहार सिंह है। और इनसे काम करवाने वाला कौन है मालूम है, मेन मास्टरमाइंड कौन है मालूम है, ये गौ रक्षक का ये बंदा है, क्या नाम है, ये शक्ल दिख रही होगी इसकी, देवेंद्र तिवारी। इस बंदे ने क्या किया कि 2017 से लेके और 2023 तक ये धमकी दिलवाता रहा है फेक मुस्लिम आईडियो के द्वारा, ताकि जो है एक इमोशनल वोट मिल सके और हिंदू मुसलमान झगड़ा हो। ठीक मुसलमान है, और पूरी प्रॉपर जीमेल्स की आईडी बनाई हुई है, अंदाजा करो बिल्कुल बिल्कुल। और जब उनकी कुटाई हुई, दीदी। जी, जब उनकी कुटाई हुई आईडी है, तब बना ली, इसका चलें नाम आगे आईडी बना बढ़ेंगे, था। काफी बात हो गई इस पर। लबैक भाई आपका पॉइंट भी आ गया यार, वरना बात से बात निकलती जाएगी, लोग रह जाएंगे और मुझे एंड करना, 5 घंटे से ऊपर हो गए, ठीक है ना? जी, आमिर भाई, ओके जबरदस्त, फिर माशा जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आमिर भाई, जजाकल्ला जबरदस्त। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई, अपना ख्याल रखें। लबैक भाई थे जी हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं यार, आखिरी एक दो कॉलर्स बस लेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम भी काफी होने को है, तो बस आखिरी एक दो कॉलर लेंगे। हरी ओम जी मेरा भाई। जी भाई, राधे राधे। जी, आधे आधे जी। जी, और कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए मेरा प्यारा भाई, आज का मुद्दा सुना आपने? कोई सवाल को बात रखना चाहते हैं जरूर रखें। सर, मैं देखा नहीं आज का मुद्दा क्या है, मैं बस ये क्वेश्चन आंसर देख के आया हूँ, हेडिंग जो है वीडियो का वो। आज का मुद्दा हरि ओम भाई आपने मिस कर दिया है, ऐसे ही है जैसे आपने जी शिवरात्रि सो के गुजार दी जी अभी यार। एक्चुअली अभी मैं आया हूँ, तो अभी जस्ट ज्वाइन ही कर गया मैं।
इतने पटाखे चलाए हमने, इतने पटाखे, आप कह रहे हैं मैं अभी आया हूँ, ये बड़ा मसला बन गया। देखने वाली है, बस शुरू से जरूर देखिएगा। जी जी देखेंगे, जरूर देखेंगे। जी जी सर, हुक्म हमारे लायक, हरी ओम भाई। नहीं सर, आप ही बताइए जिस टॉपिक पे बात करना है, आप ही बोलिए। अच्छा, श्री राम जी की जन्मभूमि के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपा इस विषय में अगर आपके पास कुछ हो तो दीजिए। जी, श्री राम जी का जन्म यूपी के अयोध्या में हुआ था। अच्छा ठीक है, अयोध्या स्पेसिफिकली को जन्मभूमि के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर हो तो जरूर शेयर करें। अयोध्या में ही हुआ था, इसमें आप स्पेसिफिक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, यानी सिर्फ सिटी का आपको पता है या एरिया का पता है कि अयोध्या था? जी ठीक ठीक ठीक, चले जबरदस्त हो गया। अयोध्या तक तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मैं इससे आगे की इन्फॉर्मेशन डिटेल चाह रहा था। अयोध्या तक तो मैंने भी पढ़ा कि अयोध्या में हुआ। जी, अयोध्या में जो सरयू का रिवर है उसके मतलब साइड में हुआ था, सरयू के रिवर के जस्ट साइड में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि उनका जो राजमहल था वहीं पे था। ठीक 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 ठीक, वो रिवर है आज भी? है जी, आज भी है सरयू रिवर, आज भी है वहीं पे है। और मैं चेक करता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा, सरयू रिवर मैं गूगल कर लूँ। जी जी, हाँ मैं जानना चाह रहा हूँ सरयू रिवर, सरयू रिवर, सरयू रिवर, सरयू उत्तराखंड, सरयू बोलते हैं। जी जी, ये तो यूके, ये तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से शायद उसका ओरिजिन होता है, यूपी में है। अच्छा, यूपी में भी है, अयोध्या के साइड से निकलता है, अयोध्या से होके निकलता है। अच्छा, ये राम मंदिर के पास है अभी कहीं, जो राम मंदिर इनॉग्रेशन हो रहा है, इनॉग्रेशन हो रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, राम मंदिर के बिल्कुल साइड में ही है सरयू नदी। अच्छा 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 जी, जबरदस्त यार, जबरदस्त। चलो मौका मिलेगा तो इधर मैं स्नान लेने जाऊंगा। बिल्कुल सर, जाइए। नहाने देंगे मुझे वैसे यहाँ पे? नहाने देते हैं या कोई प्लान है? सर सबको नहाने देते हैं, हर लोग आइए, ऐसा नहीं है कोई भी आ सकता है वहाँ पे, एक ही दो लोकेशन से जहाँ पे ऐसा कुछ है, लेकिन बाकी हर जगह पे कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये अयोध्या के पास कितना एरिया इसको कवर करता है? अयोध्या मैं देखना चाह रहा हूँ, अयोध्या का कितना एरिया ये मैप पर ये कवर करता है। ओहो हो हो यार, ये तो बहुत बाहर जाके है। ये अयोध्या के पास जब पहुंचती है तो ये घाघरा रिवर बनती है, हैं? जी जी, वो लोकल, उसका नाम लोकल है अभी, नाम तो समय के साथ कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, या मतलब लोकेशन के साथ भी। एक जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक नदी आती है तो चाइना में उसका दूसरा नाम है, और इंडिया में जब इंटर करती है तो दूसरा नाम हो जाता है, तो लोकेशन के साथ नाम लोग दूसरा ले लेते हैं, लेकिन एक ही है वो चीज, वो सरयू ही है। जी ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त, चले अच्छा है, इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ इसमें। ये कहीं इसका शास्त्रों वगैरह में जिक्र है कहीं? जी शास्त्रों में तो होगा, अभी स्पेसिफिक मेरे को ढूंढ के लाना पड़ेगा। ये एक्चुअली हम लोग ये सब स्टोरी होती है, जैसे वेदा पुराना हो गई, तो इन सब की कहानी आपको आपके गार्जियन से ही, मतलब हम लोग में क्या था, हिंदू धर्म में लिखित इन्फॉर्मेशन जो है वो तो रिसेंट टाइम्स में आई है, जब से लोग लिखना स्टार्ट किए हैं और लिखित चीजों को रखा गया है, नहीं तो उससे अर्ली एजेस में तो हम लोग बोल बोल के ही, जैसे वेदास को बोल बोल के ही आगे होता, वैसे ही सेम वे में मेरे भी गार्जियन, मैं भी अपने मम्मी पापा या इन लोग से सुनते हुए आ रहा हूँ, तो ये तो ये सारी स्टोरी है जी, तो ये सब स्टोरीज का ज्ञान वहीं से होता है। बाकी इसका रेफरेंस तो मैं आपको दे दूंगा, अभी हाल फिलहाल में रेफरेंस नहीं है मेरे पास।
हाँ चलें, इस बारे में आप रेफरेंस ढूंढिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बारे में ना खोज कर सकूं। तो मुझे जी दो तीन रेफरेंसेस तो मिले हैं, वाल्मीकि का या स्कंद पुराण का दिया है, मगर वहां पर रिवर का जिक्र नहीं है। वहां पर कुछ और लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि विघ्नेश्वरा है, वशिष्ठा है और लवमसा है, ये तीन झोपड़ियां थी। जी और वहां पर, हाँ वहां कुछ पता नहीं को मूर्तियां या मंदिर थे, पता नहीं क्या थे, उस बारे में डिटेल नहीं लिखी हुई, मगर कोई भी आज वहां पर चीज मौजूद नहीं है, वहां पर नहीं उनका कोई अस्तित्व नजर नहीं आया। सर, ठीक है, एक्चुअली देखिए, कोई कोई चीज़ अस्तित्व क्या मतलब ये सब स्टोरीज हैं, और जो ये इनका जो रियलिटी से जो वास्ता है उसके लिए मतलब जो साक्ष्य है उसको ढूंढने में या तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही ओल्ड है, या तो मतलब मेन मेन रीजन तो यही है कि आप ढूंढ नहीं पाएंगे बहुत। ऐसा नहीं है कि सारे जो एविडेंस है वो सारे समाप्त हो गए, बहुत सारे एविडेंस है। जैसे आप गुवाहाटी जाइए कभी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है गुवाहाटी है, तो वहां जाएंगे तो वहां पे वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ के उनका आश्रम है और उनके नाम से एक छोटी सी झरना भी है, तो वहां पे उनके नाम पे एक्चुअली उनका आश्रम था तो इसलिए उस झरने का नाम भी वशिष्ठा हो गया। तो वहाँ तो वही है कि अयोध्या में भी ऐसा कुछ था, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हुआ, लोग आते रहे, चीजें डिस्ट्रॉय हो गई और इन्वेडर्स आए, बहुत सारी कहानी है आप तो जानते ही हैं। बस यही बात है, साक्ष्य ठीक जो हो है वो गया, समाप्त हो गए समय के साथ साथ। ठीक, सही है। चलें, अब इस पर मुझे को प्रमाण आपने देना है, मैं आपका वेट करूंगा। यही जी बात को समाप्त करते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, आप आए मेरा प्यारा भाई। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके आज भी आपसे। बहुत अच्छा लगा। जल्दी आते तो जरा ज्यादा लंबी बात होती, मगर कोई बात नहीं, आपने अच्छी बात की। इस पर मैं जी देखूंगा, आपने जो बात की है उसको प्रमाण मुझे मिला तो मैं भी रख लूंगा, अगर आपके पास हुआ तो जरूर शेयर करना। ठीक है मेरा भाई, जी सर, बेशक, ओके ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हरिओम भाई हमारे साथ थे, एक नीचे आया यार, किधर गया है दीपक? आ जा यार, आ जा, लिंक पे क्लिक कर, लिंक दिया, आ जा जल्दी, आ जा, तेरे लिए बैठा हूं, जल्दी आ जा मेरा भाई। और दीपक तिजोरी, आ गया आ आ जा गया। ना हेलो मेरा, आ गया, रोड ये हुई ना बात। हाँ दीपक भैया, भाई। ओ भैया जी नमस्कार। अरे कैसन अरे हो रे? अरे मस्त मस्त, आप सुनाओ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सनातनी भाई है ठीक हमारे, जी। हाँ हाँ आर्य हाँ समाज से बढ़िया हैं या नॉर्मल वाले हैं भाई? जी, नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक हो गया यार। ये दीपक हाँ यार, मैं खोज कर रहा हूँ इस चीज को जानने की कि हाँ श्री राम जी का जो जन्म भूमि और अस्तित्व है, इसका कोई हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बन नहीं पा रहा, क्या करूं? हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं बन पा रहा। तो एक काम नहीं करा आपने, वर्डिक्ट नहीं सुना है क्या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का? क्या वर्डिक्ट है? वर्डिक्ट नहीं सुना क्या आपने? नहीं, मैंने नहीं, पूरी क्या रिपोर्ट वर्डिक्ट है थोड़ा है, बताइए। थोड़ा वर्डिक्ट आप सुनते हैं जरा। जब मुसलमान इमाम बैठे थे और हिंदू पक्ष से दोनों की कार्रवाई हुई थी, तो आपने क्या क्या उसका क्या वर्डिक्ट है के क्या बारे में उसमें, थोड़ा सुना? जानकारी बताइएगा, अरे क्या था, मैं मिस सर, कर गया, खुदाई क्या था? का के मोहम्मद की खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले थे मंदिर के, क्या आप जी उसको जी झुटला दोगे? तो आप क्या उसको ओहो, झुटला मैं, दोगे? नहीं, ओहो दीपक भाई, मैं भी कहूँ, ऐसी कौन सी सुनवाई थी मैंने सुनी? मैं पूछ रहा हूँ नहीं, श्री मैं तो राम पूछ जी रहा के हूं सर। अस्तित्व, हाँ सुने ना, सुने, श्री हाँ राम के अस्तित्व का और श्री राम जी की जन्मभूमि का प्रमाण मांग रहा हूँ, मंदिर का नहीं मांग रहा, जन्मभूमि। जन्म भूमि का सर, मैं भी तो क्वेश्चन नहीं समझता। केस किस चीज का था, आपने क्या पूछा था? केस किस चीज का चल रहा था गवर्नमेंट के अंदर, मतलब अदालत के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट पीनल कोर्ट में किस चीज का केस था? पहले अच्छा, आपने मैं वो ये केस जानना, पढ़ा था? अरे मैं जानना ये चाह रहा हूँ। देखिए केस तो मैं अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपसे, आप आए हैं दीपक भाई नीचे, आप कह रहे थे कि अबे लिंक देना, तो मैंने कहा शायद भाई हाँ के पास मैं ज्ञान तो, होगा, जल्दी हाँ से क्योंकि दे क्योंकि किसी किसी अभी रोर भाई ने हमें दो तीन जरा पोस्ट दिखाए थे कि मुसलमानों के ऊपर भारतीय समाज में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, दे। क्या टॉपिक चेंज हो जाएगा, मेरा नहीं प्रश्न सामने रखिए नहीं नहीं ना। प्रश्न तो मैंने भी रखा है ना सर। तो मैंने भाई तो मैंने, जब आपकी बहुत स्ट्रीम अच्छे, खोली, अब मैंने आपसे, आपने कहा पूछे देखिए हैं, सर, मैंने पूछ लिया दीपक भाई। हाँ, नहीं देखिए, आपने आपने क्वेश्चन रखा कि क्या राम जी के अस्तित्व का किसी प्रकार का प्रमाण मिलता है क्या नहीं मिलता। सही जी जवाब जी ये जी जी क्वेश्चन था जी 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 आपका जी जी जी। जी जी जब जी आप जब हमारी आप रिलीजियस बुक देखेंगे, वाल्मीकि रामायण और शायद कौन सी स्कंद पुराण, मैं अभी मेरे को जी इस
तीन मंदिरों का जिक्र है जो अभी आपने बताए थे, जैसे विघ्नेश्वर टेम्पल और दो टेम्पल का और जिक्र है, और वो जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं उसके हिसाब से जो हमारे महंत हैं, महंत मतलब जो हमारे धर्म के जानने वाले वाले वो हैं, क्या कहते हैं, मानने वाले हैं, उनकी आस्था है, उसकी आस्था है कि वही स्थान है जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात की दीपक भाई आपने। वो क्या है स्थान, कहाँ लिखा, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है? जी हाँ, जहां तक मेरे को पता हो, पता है मैं ये जानना चाह रहा हूँ स्कंद पुराण के अंदर जो तीन जगह बताई गई हैं उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिला है या नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ। विघ्नेश्वर टेम्पल स्टिल एग्जिस्ट, अगर आप सर्च मारेंगे गूगल के ऊपर, किधर? जी जी, अयोध्या के अंदर विघ्नेश्वर टेम्पल स्टिल एग्जिस्ट है सर। अच्छा अच्छा, मुझे एक मिनट देखने दीजिएगा, विघ्नेश्वर टेम्पल इन अयोध्या। जी जी, अयोध्या, एक मिनट यार, यहाँ तो विघ्नेश्वर नाम का कोई भी टेंपल नहीं है। रुकिए सर, कोई भी नहीं है सर। विघ्नेश्वर टेंपल इसे महादेव टेंपल, भोलेनाथ का टेंपल है सर। हाँ जी, किसका है? महादेव का। ये विघ्नेश्वर महादेव का नाम था? हाँ सर, विघ्नेश्वर मतलब जो टेंपल था वो भोलेनाथ का ही था, जहां तक मेरी स्टडी है। मैं आपको कह रहा हूँ सर, मेरे पे रिटन रेफरेंस नहीं है सर, जो दरअसल मैं तो कोर्ट की वर्डिक्ट के हिसाब से बात करने आया था, जो कोर्ट की वर्डिक्ट हुई थी उसके हिसाब से जो बात तो सुनिए ना सर पहले, मैं अगर मैं बात कंप्लीट कर लूँ फिर आप बताइएगा। दरअसल जो केस का जो मुद्दा था, मेन मुद्दा था जो कोर्ट में गया था, वो था डिस्प्यूट ऑफ लैंड की, लैंड किसका है, क्या ये हिंदू पक्ष का है या मुस्लिम पक्ष का है। इस लैंड के ऊपर एक तीसरा भी क्लेम आया था, वो बोध पक्ष का आया था, जिसको कोर्ट ने सरे से खारिज कर दिया था। तो ये लैंड पे डिस्प्यूट फिर दो जनों का ही रह गया था। नहीं, अभी मैं, आप आगे जा रहे हैं दीपक भाई, आप जा रहे हैं आगे कोर्ट के। मैं जानना चाह रहा हूँ स्कंद पुराण में जो आपने कहा बात है विघ्नेश्वरा, वो मुझे तो विघ्नेश्वरा का टेम्पल नजर ही नहीं आया, मैंने सर्च किया है अयोध्या में, कहीं भी नहीं है। अच्छा सर, तो अगली बार मैं लेकर आता हूँ सर पूरा का पूरा पीपीटी बना के, कहाँ कहाँ लोकेशन है, ठीक। पहली बार बात, मुझे बड़ा आनंद आया, मैं चाहता हूँ हमारी बात स्टेप बाय स्टेप हो और ज्ञान से प्रभावित गुफ्तगू लेकर हम चले। हाँ देखिए, मैं तो कह, मेरा तो विचार है कि ना मेरे कहने से आप गलत हो जाएंगे या मेरे कहने से मैं गलत हूँ, पर ज्ञान आदान प्रदान और चर्चा अगर हो दोनों के बीच में तो अच्छी बात है। कुछ थोड़ा हम आपसे सीखे, थोड़ा हम आपसे, आप हमसे सीखे, ठीक है ना। ठीक है ना, ठीक बात है। अब दरअसल एक छोटी सी बात है कि जो मेन जो मुद्दा था जो इंडिया गवर्नमेंट के अंदर जो जगह पे था वो था लैंड ऑफ डिस्प्यूट का, कि ये जगह नहीं, मैं उस पर डिस्कस नहीं, नहीं मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। मेरे लिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो श्री राम जी है, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूँ, श्री राम जी का अस्तित्व और श्री राम जी की जन्मभूमि। यदि आप मन से सम्मान करते हैं तो हम आपके का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू मेरा भाई। तो मेरे लिए जो मेन मुद्दा है ना वो पॉलिटिक्स से, राजनीति से बहुत ऊपर का रिसर्च का विषय है और ज्ञान का विषय है। मैं ये जानना चाहता हूँ श्री राम जी सही में उनका अस्तित्व था, वो ऐतिहासिक पुरुष थे, बड़ा नाम था उनका, और इसी तरीके से श्री राम जी की जन्मभूमि, ये मेरा इशू है इस वक्त। मैं जो फोकस कर रहा हूँ ना, मुझसे आप सही पूछें तो मेरा फोकस ये है, ये नहीं है कि वहाँ मंदिर मिला या डिस्प्यूटेड एरिया, मैं इस पर अब जा ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो पहले आपका क्वेश्चन, आपको पहले, आप इस बात से एग्री करते कि श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ? मैं तो कह रहा हूँ श्री राम अस्तित्व पहले सिद्ध होगा, जन्म तो बाद में होगा ना। अच्छा, अगर आप अस्तित्व की बात करें तो अस्तित्व के परिणाम, अगर मैं किसी चीज के अस्तित्व का आप मांग रहे हैं
कि कोई आया था इतने समय पहले, तो आप अगर उसका अस्तित्व मान रहे तो किस प्रकार का आपको एविडेंस चाहिए, पहले आप ये बताएं। जी, आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एविडेंस। हिस्टोरिकल एविडेंस के अंदर आप किस प्रकार का हिस्टोरिकल एविडेंस मांगना चाहते हैं? मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से न्यूट्रल कोई ऐसी हिस्ट्री बयान की जाए जिसके अंदर प्रमाण मिले, मिसाल के तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले, कोई कॉइन्स हैं, या कोई ऐसा क्या उसको कहना चाहिए, मतलब मल्टीपल चीजें, मल्टीपल चीजें उसमें ऐड हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर उसमें कोई स्टेट अयोध्या की, जिस तरह राम राज्य में स्टेट थी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में क्लेम किया गया कि 10,000 तक चला था श्री राम जी का जो था शासन था, यानी उनका काल जो था। अच्छा, तो मैं ये बेसिकली जानना चाह रहा हूँ कि श्री राम जी के कोई क्वाइंस हों, कोई ऐसी स्टेट मिले, कोई ऐसी कुछ, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का चाहिए। अच्छा सर, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ आपसे, आप अगर हम पूछें कि मोहम्मद प्रोफेट मतलब मोहम्मद साहब के, अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट कोई सिक्के विक्के दिखाना चाहे, तो क्या आपके पास कोई सिक्के हैं जो वो इस्तेमाल करते थे उस समय के अंदर, जिससे हम ये माने कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था किसी प्रकार से, मतलब बड़ा प्यारा बड़ा जी लिखित में है ना सारा कुछ आपका? हाँ नहीं नहीं सुन ले, मैं बताता हूँ सुन लेना आप मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ आप बोलिए कि मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। बहुत प्यारा सवाल पूछा आपने, बहुत प्यारा, ठीक है। अब दिक्कत ये पड़ गई है कि जिस दिन खुदा ना खास्ता मक्का के अंदर ये झगड़ा पड़ गया ना, या मदीना के अंदर, कि मोहम्मद मदीना के अंदर कि भाई ये एरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, यहां पर तो कोई और जगह है, और वहां केस कोर्ट के अंदर चला तो हम पेश करेंगे, मगर यहाँ इंडिया के अंदर ये झगड़ा चल गया है कि यहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ भी था कि नहीं हुआ था, यहाँ कंफ्यूजन है। अगर मदीना के बारे में किसी दिन हुई तो फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या एविडेंस है, कोर्ट में पेश करना या क्या ना करना, ठीक है। अब आप अपनी तरफ आ जाएं, उसको पेश करें जिसका झगड़ा चल रहा है। जी तो सर, आप सर जिस प्रकार की हिस्ट्री, जिस प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन, जिस प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है, अयोध्या से इतनी दूरी पर, इतनी इतनी दूर पर ये क्षेत्र उपस्थित है, जो आज भी उपस्थित है हिस्ट्री के अंदर, आज भी आपको वो क्षेत्र मिल जाएंगे, जिस प्रकार से लंका का विवरण दिया गया था, जिस पहाड़ पे दिया गया था। वाल्मीकि रामायण का मैनुस्क्रिप्ट कितना ओल्ड है, क्योंकि तभी पता चलेगा। ये ना हो के 200 साल पहले लिखा गया, तो 200 साल पहले तो बड़ी चीजें मौजूद थी सर। अगर यदि सर मैन्युस्क्रिप्ट, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना था, ये तो आपको क्रिटिकल एडिकेशन में कौन कौन से दिए गए और कितना समय लिखा गया, ये तो देख के बता दूंगा मैं आपको। वाल्मीकि रामायण को ऐतिहासिक प्रमाण, ऐतिहासिक, दीपक भाई एक मिनट ठीक है। वाल्मीकि रामायण को ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर जब आप प्रस्तुत कर, ये बोलते हैं ना प्रस्तुति, हाँ यस प्रेजेंट, यस देखे मेरी हिंदी अच्छी होगी, दीपक भाई आपके साथ रह रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। आप वैसे एक मिनट क्वेश्चन मेरा, आपका वैसे ओरिजिन पाकिस्तान का है? कोशिश मैं करता हूँ पाकिस्तान में ही हूँ, मगर लोग कहते हैं यूपी के अंदर हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप हिंदी बोल रहे तो काफी सही हिंदी लगे, क्योंकि मैंने जितने भी पाकिस्तान चैनल आते वो पंजाबी ज्यादा बोलते मेरे हिसाब से, आई थिंक सो, पंजाबी मिश्रण ज्यादा होता है वहाँ पे। थैंक यू दीपक भाई। अच्छा अब ये है कि अगर वाल्मीकि रामायण को ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करेंगे आप, तो पहले उसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध करना होगा, उसको प्रमाणित करना होगा कि आप ये सेट कर सकें कि वाल्मीकि रामायण ऑथेंटिक है या नहीं। उसके कारण बताता हूँ, देखें, एक तो खुद क्लेम किया जाता है गुरुओं की तरफ से और बड़े बड़े ज्ञानियों पंडितों की तरफ से कि वाल्मीकि रामायण के अनेक वर्जन मौजूद हैं, एक से ज्यादा। अच्छा, नंबर वन। नंबर दो, पहले वाले का जहां तक मुझे आंसर पता है, चले दे दे, पहले दे दे। हाँ, जहां तक मैंने पढ़ा है वाल्मीकि रामायण, सिर्फ मैंने वाल्मीकि रामायण के बारे में पढ़ा है, इसके बाद में बहुत सारी रामायण अलग अलग विवरणों में आती है, जैसे कि आनंद रामायण आ जाती है या और भी रामायण आ जाती है, कहा जाता है कि जो वाल्मीकि जी के द्वारा ही प्रस्तुत की गई। परंतु एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कोई अगर पूछना चाहे, जैसे आप हैं,
अगर आप अपनी जीवनी के बारे में लिखेंगे या किसी की जीवनी के बारे में लिखें, तो आप एक ही पुस्तक में उसकी कोशिश करेंगे कि सारी की सारी जीवनी एक बार में लिख दें, जब आपके पास संपूर्ण ज्ञान है उस चीज का। आप ऐसा नहीं होगा कि आप आधी जीवनी एक तरीके से फर्स्ट टू एंड आप एक बुक में रख दें, फिर फर्स्ट टू सेकंड कहीं दूसरी बुक में लिख दें, फर्स्ट टू थर्ड किसी और बुक में लिख दें। आप कोशिश करेंगे कि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास उस समय का ज्ञान है, आप एक ही बुक में अर्जित करते हैं। और जहां तक हमने पढ़ा है कि वाल्मीकि जी ने एक ही रामायण लिखी थी, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। बाकी मैं आपके पास जब अगली बार आऊंगा, आपके क्वेश्चन है क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, देन आई गोइंग टू सर्च कर पाऊंगा, क्योंकि दिमाग सर्च करने के लिए तभी आएगा ना जब कोई मुझसे कोई सवाल पूछे। हाँ नहीं नहीं जबरदस्त जबरदस्त, मैं यही चीज बताने लगा था। हाँ मैं भी यही चीज बताने लगा था दीपक भाई के, वाल्मीकि रामायण आगे करीबन मैं अभी क्रिटिकल एडिशन देख रहा था उसके स्टार्ट में, जो दीप रॉय जी ने उसका क्रिटिकल एडिशन गैदर किया, 3000 मैनुस्क्रिप्ट्स, 3000। अच्छा नंबर वन मैनुस्क्रिप्ट्स, नंबर दो कोई बंगाली में है, कोई श्रीलंका का है, कोई इंडोनेशियन है, कोई अयोध्या का है, कोई यूपी का, कोई अपना दूसरी जगह का है। तो बड़े 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 भिन्न भिन्न प्रकार के जो वर्जन है वो सामने है, नंबर वन। नंबर दो, गीता प्रेस गोरखपुर ने बड़ी मेहनत करके, सुने ये इसका दे चुके हैं आप, इसका दे चुके हैं आप, आगे बढ़ने लगे। नहीं जो आपने ये कहा ना कि अलग अलग उसमें आए, जैसे यूपी के अंदर मिला, इंडोनेशिया में मिला, बंगाल में मिला, कर्नाटका में मिला, ये ऐसा है ना सर, जिन लोगों ने उस मेन मैन्युस्क्रिप्ट से अपनी भाषा में अपने लोगों को समझाने के लिए टीकाकार किया गया, मतलब एक तरीके से ट्रांसलेट क्योंकि हर 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 पूरे भारत के अंदर, चाहे भाषा चाहे लिखित और बोली में, चाहे उस वक्त कौन सी भी हो, पर जिस जिस तरीके से कल्चर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है पुरानी भाषाओं के ऊपर धीरे धीरे नई भाषा आती चली जाती है। जिस प्रकार से मत करो ऐसे लिख देते हैं, BAT MAT करके लिख देते हैं, आने वाले समय में हो सकता है बात को सिर्फ BT कर दें, शॉर्ट फॉर्म करते चले जाते हैं, भाषा बदलती चली जाती है, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, हाँ दीपक भाई बड़ा प्यारा सोल्यूशन दिया है, सुने 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 सुने, बड़ा प्यारा, सॉरी मैं टोक रहा हूँ आपको, क्षमा कीजिएगा, बड़ा प्यारा सोल्यूशन दिया आपने। आपने बताया कि वो अपनी अपनी भाषा के अंदर लोगों को समझाने के लिए लोकल लेवल पर उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उसका अनुवाद कर दिया, समय के साथ। ये नहीं कि एक ही वक्त में इतनी सारी भाषाएं थी। जी 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 मैं समझ गया हूँ। आप ये मत समझे कि आप किसी अनाड़ी से बात कर रहे हैं, मैं समझ तो आपके बारे में हमने सुना, इसलिए हम आए आपकी, मेरे के पास ऐसी थंबनेल जैसा यूट्यूब पे मैं बैठा हुआ था, बंद करने वाला था, एक थंबनेल में अपीयर हुआ, उस पे राम मंदिर लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा देखते हैं क्या चल रही है। जैसे मैंने लिंक खोला था तब रोअर जी कुछ अयोध्या के अंदर दिखा रहे थे कि ATS के, वो तो उस वो बात को हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक चीज रख रहा हूँ। आपने एक क्लेम किया है जो कि बड़ा प्यारा क्लेम है कि जी दूसरी जगह के ऊपर जो है ना वो लोगों को समझाने के लिए अनुवाद किया जाता था, लोगों ने अपनी समझ से, अपने अनुसार अपनी समझ से किया। अनुवाद करने के लिए ओरिजिनल का होना जरूरी है, ऐसे ही है। जी हाँ। क्योंकि अनुवाद तो ओरिजिनल का होगा, वो ओरिजिनल का मैनुस्क्रिप्ट किधर है वो मुझे बताएं। अच्छा ओरिजिनल का, सर आप यदि आप भारत की हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको पता होगा कि भारत के अंदर लिटरली 1947 तक जब से स्टार्ट हुआ तब से युद्ध चली रहे हैं, 7वीं सदी के बाद से। इस बात में तो आपकी दो राय तो नहीं है। पहली बात मैं कंफर्म करना चाहूँ कि भारत के अंदर आक्रांताओं का आक्रमण स्टार्टिंग से हो रहा है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि युद्ध कंफर्म करने जाता हूं। आप इस बात में तो डिसएग्री नहीं है ना कि भारत के ऊपर आक्रांताओं का हमला नहीं हुआ था, हुआ था, इस बात से तो आप एग्री है या डिसएग्री? पूरे भारत के ऊपर नहीं हुआ था, जगह जगह हुआ था। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग करें जो इस समय पाकिस्तान है और उस समय और अफगानिस्तान है, वो भी किसी समय में, यानी कि आई थिंक सो चंद्रगुप्त मौर्य या उसके बाद भी चोला एम्पायर के अंदर भारत के, आप बहुत दूर ले गए हैं मुझे दीपक साहब। नहीं, जब आपने वो क्वेश्चन किया ना कि मूल प्रति कहाँ है, मूल प्रति आपने ये पूछा था ना मुझसे, वो मुझे दिखाएं वो कहाँ गई है। तो समय के साथ सर जहां तक हमें पता है, जहां तक मैं मतलब मैं लिखित प्रमाण तो मेरे पे कुछ है नहीं, जो मैं अपनी जानकारी और अपनी समझ के हिसाब से जो दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है टॉपिक, तो मैं कोई आपने पूछा है तो अगली बार आएंगे तो हम क्वेश्चन के आंसर जरूर लेके आएंगे, पर अभी जो मैं अपने जो समझ सकता हूँ उसका आंसर दे रहा हूँ कि उस समय जब
नहीं है सीधा बोलो ना, अच्छा मतलब मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है सीधा बोलो, कोई बात नहीं। हाँ विवेक पांडे जी है ना, वो कह रहे हैं कि भाई इतना क्योंकि पब्लिक देखे ना, मैंने आपको बताया ना, मैं तो चलो सहन कर लूंगा, पब्लिक नीचे शोर डाल देती है। नहीं नहीं सर देखिए देखिए बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर दो जब तक क्वेश्चन आप